रोज सुबह बच्चों का जब टिफिन बनाना हो या सुबह का ब्रेकफास्ट हो तो अक्सर समझ नहीं आता कि क्या बनाए जो जल्दी भी बन जाए, हेल्दी भी हो और बच्चों को पसंद आए। मैं बनाने जा रही हूँ बहुत बहुत टेस्टी, बनाने में बहुत ही आसान, जिसको आप पहले से बनाकर भी रख सकते हैं, इटालियन रवा टोस्ट। इटालियन रवा टोस्ट का जो फ्लेवर है वो बच्चे हो या बड़े सभी को ऐसा भाता है, सब आपसे जिद करके बनवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इटालियन रवा टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बोल। यहाँ मैं डाल रही हूँ एक कप सूजी। मेजरमेंट के लिए आप एक कप सेट कर लें, उसी से सारा मेजर करें। और ये मैं डाल रही हूँ आधा कप फ्रेश दही। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई गाजर। इसको हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। ऐसे तो बच्चे सब्जियां खाते नहीं है लेकिन इसमें सब कुछ खाएंगे। 3 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज। बारीक सब्जियां हो तो बच्चे बड़ी आसानी से खा लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सब्जियां बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप अपने मन अनुसार कोई भी इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ रवा इटालियन टोस्ट बना रही हूँ तो जो इटालियन फ्लेवर होता है मैंने वही सब्जियां ली हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब जो इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट जाने वाला है वो है बहुत ही सुपर टेस्टी पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस घर में कैसे बनाएं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस, क्योंकि हम बना रहे हैं इटालियन रवा टोस्ट तो इसमें जो फ्लेवर आएगा बिल्कुल पिज्जा जैसा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर पिज्जा सॉस ना हो तो क्या डालें, तो आप यहाँ पर पिज्जा सॉस की जगह टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास ओरिगैनो या इटालियन सीजनिंग या पिज्जा सीजनिंग है तो वो डाल लीजिए। जैसे पिज्जा के साथ छोटे वाले पाउचेस मिलते हैं ना मसाले के, इटालियन सीजनिंग के, अगर वो रखे हुए हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। और जब हम पिज्जा सॉस डालते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की इटालियन सीजनिंग या ओरिगैनो डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पिज्जा सॉस में सारा ही फ्लेवर है। बहुत ही टेस्टी ये मिक्स तैयार होता है, बच्चे तो खाते रह जाएंगे। अभी इसमें एक बहुत ही सुपर टेस्टी चीज तो रही गई और वो है बच्चों की फेवरेट चीज। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चीज। इसको बना देगी बहुत बहुत ही टेस्टी और एक्स्ट्रा क्रीमी और एकदम मुंह में घुल जाने जैसा। बढ़िया से चीज को कर देंगे मिक्स। यहाँ पर आप कोई भी चीज, जैसे अगर पिज्जा चीज है तो पिज्जा चीज यानी मोजरेला चीज डाल सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके के जो प्रोसेस चीज आते हैं वो क्यूब है तो वो क्रिएट करके डाल दीजिए। या फिर आपके पास अगर चीज स्लाइस है जो कि सभी के घर जनरली रहती ही है तो चीज स्लाइस के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। और इस तरह से हमारा मिक्स बिल्कुल तैयार है। मुझे यहाँ पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। अगर आपको ड्राई फील हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देती हूँ जिससे सूजी बढ़िया से सेट हो जाए। यहाँ मैंने ली है ये 5 ब्रेड स्लाइस, मैंने सैंडविच ब्रेड ली है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब मैं लूंगी 1 ब्रेड स्लाइस और ब्रेड स्लाइस को कोई भी कटोरी ढक्कन जो भी फिट बैठे उससे इस तरह से गोल कट करें। ये मैं इसलिए कर रही हूँ फिर इससे जो लुकिंग आएगी वो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो बस सारी ब्रेड को इस तरह गोल कट करेंगे और जो साइड्स बचे हैं उसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे या फिर आप किसी भी कटलेट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो मिक्स को चेक कर लेते हैं और अच्छे से हमारी सूजी सेट भी हो गई है, ये देखिए परफेक्ट है। तो अब हम लेंगे हमारी कटी हुई 1 ब्रेड स्लाइस और इस पर 1 चम्मच मिक्स को हम बढ़िया से स्प्रेड करेंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल इस तरह से। तो सारे पीसेस को हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे और इस तरह से मैंने सभी पीसेस को तैयार कर लिया है, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस अगर आपके पास मिक्स पहले से रेडी है तो आप सिर्फ ब्रेड पर स्प्रेड कीजिए और अपने टोस्ट तैयार कीजिए। अब आप गैस पर एक तवा या पैन चढ़ाएं और उस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल या घी या बटर किसी में भी आप इसको सेक सकते हैं। अच्छे से पैन या तवे को आप ग्रीस कर लें और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से एक एक टोस्ट को हम बढ़िया से रोस्ट करेंगे। नीचे से अच्छे से सिकने देंगे क्योंकि हमने सूजी का यूज किया है तो बढ़िया से वो सिक जाएगी, एकदम करारे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये टोस्ट। 1-2 बूंद ऑयल हम ऊपर डालेंगे और इसको पलट देंगे लगभग 30 सेकंड के बाद। वाओ सुपर, ब्रेड को नीचे से भी बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे और ये लीजिए दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हमारा इटालियन रवा टोस्ट तैयार है। लग रहा है ना एकदम कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी बने हैं। घर में बच्चे हो या बड़े कोई इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह हम बाकी सारे ही टोस्ट को तैयार करेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा सुबह का टेस्टी डिलीशियस हेल्दी
इटालियन रवा टोस्ट बनाना आपने देखा कितना आसान है, लेकिन इस रेसिपी में स्वाद बहुत है। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रेवल पर तो उसमें भी आप रखकर ले जा सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और खाने में लाजवाब। और इसके अंदर जो फ्लेवर है इसमें आएगा आपको टेस्ट पिज्जा का, पास्ता का, रवा टोस्ट का, मजा आ जाएगा खाकर। अगर आप सुबह में इसको बनाना चाहते हैं तो पहले से आप मिक्स को तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए, मॉर्निंग में फटाफट से ब्रेड पे स्प्रेड कीजिए और अपना इटालियन रवा टोस्ट तैयार कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्पेशल इटालियन रवा टोस्ट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी जरूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।